आज 5 अगस्त भूमि पूजन का दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे लखनऊ वासियों? देखिए लखनऊ वासियों को तो जो ये दिव्य और भव्य हमारा जो ये पर्व है श्री राम मंदिर महोत्सव तरीके से आप समझिए शुरुआत हो गई है। 500 साल पहले जो हमारे पीढ़ियों के पुरुखों ने महापुरुषों ने जो सपना देखा को साकार हो रहा है, तो आप सभी सभी को तो पहले हमारे देशवासियों को ने भविष्य को बधाइयाँ। और एक मेरा ये सबसे निवेदन भी है और एक आग्रह भी है और प्रार्थना भी है कि आप सभी अपने घरों में अपने यहाँ एक उत्सव जैसा माहौल बनाइए। कोई भी विचार या कोई भी अंतरंग में आपके कुछ बात है उसको भूल करके आज शाम को हम सभी लोग और जो यदि विभव्य पूजन हो रहा है इसके साक्षी बने और बच्चों को छोटे बच्चों को जरूर अपने साथ बैठाएं सनातन परंपरा प्रेमी कि वो बच्चे भी इतिहास को देखें ताकि बड़े होंगे तो बताएंगे कि हमारे पीढ़ियों में कैसे युद्ध हुआ था और कैसे एक तरीके से इसको हम लोग जीत करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक राम जी जीते थे और अयोध्या में पुनः स्थापित हो रहा है। तो बहुत बड़ा सनातन परंपरा का प्रतीक चिन्ह बनेगा और एक बहुत सुंदर और अच्छी बात मन में विचार आया है पूजा करते समय कि भगवान श्री राम के कुल के आराध्य थे श्री रंगनाथ भगवान। हम लोगों को तो सेवा करने का अवसर मिला है, बहुत छोटा और थोड़ा सा आकार में कम उनका मंदिर है तो इसको भी बड़ा करने का प्रस्ताव प्रश्न को मैं लिख रहा हूँ। और सूर्यकुंड हमारे दर्शन नगर में जो है एक परिधि के अंदर हो सके तो श्री रंगनाथ भगवान का और एक सूर्य भगवान का जो नौकरा सहित हो उनके परिवार सहित हो। देखिए परंपरा जुड़ने की बात करने जा रहे हैं, परंपरा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कई देशों में आप देखिए जो आप विश्व में देखें कई मंदिरों में पहले सूर्य उपासना रही है तो इससे विश्व जुड़ेगा। और दक्षिण भारतीय परंपरा श्री रंगनाथ भगवान का है, भगवान हमारे श्री राम के कुल देवता जिनकी पूजा कौशल्या और श्री दशरथ जी ने किया जो कई जगह वर्णन आता है उसकी सेवा करने का अवसर हमें भी मिला है चूँकि अपनी बहुत जुड़ाव अयोध्या से रहा है। तो आप मानिए कि जनमानस को ये भी पता चले भगवान श्री राम के आराध्य और उनके वंश के कुल देवता श्री सूर्यनारायण चूँकि उसी वंश में राम जी आए हैं और उनके पीढ़ियों के जितने भी महापुरुष हों भागीरथ जी हों दिलीप हों राजा रघु का आप देखिए कितने परम तपस्या तो उनका वर्णन एक इस टाइप का म्यूजियम भी हो जो हमारे ट्रस्ट से क्षेत्र में स्थापित होगा तो आप देखिए जनमानस इन चीज़ों को जानेगी। और हमारा कोई भी सनातनी बच्चा या कोई भी इस प्रकार से पढ़ने के लिए रिसर्च करने के लिए वहाँ जाना चाहे ऐसा प्रस्ताव तो है, बड़ी खुशी की बात है। क्या रात्रि में क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप चौक सराफा में? यहाँ पे देखिए एक तो दिए बाती सहित बांटे जाएंगे ताकि घरों में लोग बाग दिया बत्ती जला सकें और यहाँ पे कुछ पड़ाके आदि की भी व्यवस्था की गई। खाने के लिए खीर दोपहर में भोग लगाए चूँकि राम जन्म 12 बजे का था तो 12 बजे यहाँ खीर भोग हमारे परंपरा उदासीन परंपरा में रोड प्रसाद का भोग लगता है जिससे कि आहूति दी जाएगी। रात में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया है कि इस रात जो है महान जो हमारे श्री राम जी के कुल के जितने भी परंपरा के राजा हुए भागीरथ और जितने भी उस वंश में मनु शत्रुपा से लेकर अब तक के उन सभी को एक आहूति दी जाए, उनके कुल के गुरु वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी को एक आहूति दी जाए। परंपरागत उन ऋषियों की परंपरा को लोग बाग देखें जिसका सजीव प्रसारण व्हाट्सएप है या फेसबुक है इन सब पे लोगों को दिखाया भी जाएगा ताकि लोग बाग देखें कि हम लोग भी एकत्र होकर के समाज के मोहल्ले में नगर में जिलों में हम लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि आप जो है आइए और घर घर खुशी मनाइए। और राम जन्मोत्सव एक तरीके से है मुहूर्त भी अर्जित है, आप देखिए 32 सेकंड के लिए मिल रहा हो लेकिन मुहूर्त बड़ा अच्छा है। और परंपरागत जो भी घरों में उनसे निवेदन करूंगा कि आज कुछ ना कुछ अपना घरों में मीठा बनाएं, कुछ ना कुछ दिया बाती जलाएं, जैसे भी है छोटा बड़ा जो भी एक दिया जलाएं, तो बहुत श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं लेकिन आप खुश रहें हमेशा आनंद में रहें। और आज एक उत्सव आप सबको बहुत लाभ होने वाला है, बहुत बहुत सभी को इस महोत्सव की बधाइयाँ, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। और बड़े बूढ़े बुजुर्गों गुरु परंपरा के उन महापुरुषों को हमारे यहाँ बहुत फतेहचंद और चूँकि ये लक्ष्मण टीला लक्ष्मण जी की नगरी से हम लोग बोल रहे हैं तो इस लक्ष्मण टीला का भी उद्धार हो उसके प्रतीकात्मक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रतीक लक्ष्मण जी का इस लखनऊ में बने। माननीय योगी जी से और मोदी जी को मैं पत्र लिख भी रहा हूँ इसका भी हम लोग कुछ उद्धार करें। इसकी माटी हम लोग अयोध्या भेज चुके हैं और मिट्टी गई है तो कुछ ना कुछ राम जी का जब स्थापन हो रहा है तो उनके भाई लखन का भी कुछ ना कुछ यहाँ होगा। और ये हमारी जनमानस जाने की लक्ष्मणपुरी है और बहुत यहाँ मंदिर है, आज सब मंदिर सजाए जाएंगे, कई चौराहों पे श्रृंगार होगा तो बहुत उत्सव होने वाला है लखनऊ में। आइए आप लोग भी देखिए और लखनऊ का भी श्रृंगार होना चाहिए।